आयकर विभाग ई पेन जारी करने के लिए रियल टाइम पेन 10 प्रोसेसिंग सेंटर की योजना पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि आधार बेस्ड केवाईसी के जरिए 10 मिनट से भी कम समय में ई पेन जारी कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। और वहीं ठाकुर ने बताया कि आयकर विभाग इंटीग्रेटेड डेटा वेयरहाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट इनसाइट पर भी काम कर रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर निर्देश दे चुके हैं। और वहीं साथ ही में सरकार रिटर्न फाइल करने के लिए इंटीग्रेटेड ई फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे चुकी है। इससे करदाताओं को पहले से भरे हुए ITR मिलेंगे। इससे रिटर्न में दी जाने वाली जानकारी की सप्ताह बढ़ेगी और साथ ही प्रोसेसिंग और रिफंड की प्रक्रिया में भी कम समय लगेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इससे समय और पैसा दोनों ही बचेगा।